अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू इज़ टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टाइप ऑफ कंप्यूटर? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासीफाइड इन टू फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेट्रा। कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज की गुंजाइश की बुनियाद पर चार इकसाम में डिवाइड किया गया है। अब ये प्रोसेसिंग स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब है प्रोसेसर के काम करने की रफ्तार। ठीक है, अब ये देखें, अब प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जैसे हमारी बॉडी में एक ब्रेन होता है, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो हमारे हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमें हर चीज़ बताता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, सारी गाइडलाइन हमें हमारा ब्रेन देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में एक ब्रेन होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रोसेसर के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रोसेसर क्या काम करता है और होता क्या है। अब हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड, जिनके काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और जिनके काम करने की स्पीड बहुत कम होती है, या फिर जिनके काम करने की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब इनकी स्पीड्स को देखते हुए हमने क्लासीफाई किया है। और नंबर टू, स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? जैसे कि हमारे घर में एक छोटा सा स्टोर रूम होता है जो बाकी रूम से थोड़ा छोटा होता है, जिसमें हम अपने घर की काफ़ी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं जो हमें आने वाले टाइम में चाहिए होती हैं, हम वहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। मतलब हमने उस कमरे में इतनी स्टोरेज रखी होती है कि कोई एक्स्ट्रा सामान हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों, या फिर काम की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब है किसी भी चीज़ को सेव करके रखना स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, प्रोसेसिंग स्पीड को, स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए, कंप्यूटर को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब नंबर वन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। नंबर टू है मिनी कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो साइज़ में ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये होता वैसे छोटे साइज़ में है, पर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। अब ये देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स थोड़े साइज़ में बड़े भी होते हैं, जिनके साथ सर्वर्स भी अटैच होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब लास्ट वन है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर, अब आप देखिए नाम से हमें पता चल रहा है कि सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं जो बहुत बड़े हैं, वो बड़े लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, या फिर हम इसे पीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो हम एक पर्सन आराम से इजीली कैरी कर सकता है, या फिर एक टाइम में एक काम कर सकता है, एक टाइम में एक पर्सन आराम से उस पर काम कर सकता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल से नाम से भी पता चल रहा है कि हर पर्सन का अलग अलग भी कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, दीज आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर फाउंड इन ऑफिसेस, स्कूल्स, होम्स एक्सेट्रा, और ये साइज़ में छोटे भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑफिसेस में कंप्यूटर को यूज़ करते हुए देखते हैं, जैसे कि आपके बाबा के पास कंप्यूटर होगा, ठीक है, साइज़ में छोटा होगा और वो इजीली कैरी करते होंगे, जैसे कि अब उनके हाथ में लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो ऑफिस का काम घर में भी आके करते हैं या फिर ऑफिस में भी जाके करते हैं, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर, ऐसा लैपटॉप जो इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ, एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं, ये कंप्यूटर ऑफिसेज में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, स्कूल में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने एडमिन ऑफिस में देखा होगा सर को कंप्यूटर यूज़ करते हुए, पेपर्स प्रिंट करते हुए, कंपोजिंग करते हुए। ठीक है, जैसे आप फीसिस पे करते हैं आपके पेरेंट्स, तब आपको एक फ़ी वाउचर मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है? मतलब कंप्यूटर यूज़ करने के बाद जब प्रिंट आउट किया जाता है, एक वाउचर आता है। ठीक है, ऐसे ही स्कूल में ये इजीली यूज़ होते हैं, जिस तरह आप प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में। ठीक है, वो भी आप किस पे करते हैं? कंप्यूटर पे। होम,
अब ये होम में भी यूज़ होता है, घरों में भी आप अपने इजीली यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपको स्कूल टास्क मिला होता है घर में आपने प्रैक्टिस करनी होती है, या फिर आप कह लें कि आपने कोई सॉन्ग सुनना होता है या कोई वीडियो देखनी होती है, या फिर आपने फ्री टाइम में कोई गेम खेलनी होती है, वो भी आप कंप्यूटर पर करते हैं ना, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू बी यूज बाय 1% एट अ टाइम। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक पर्सन एक टाइम में इसे यूज़ कर सकता है। दे हैव अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एज द सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होती है? ये बहुत छोटे साइज़ में माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ठीक है। जैसे कि सीपीयू में एक चिप लगी होती है, बिल्कुल ऐसे ही इन कंप्यूटर्स में भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जिनसे इनकी स्पीड, काम करने की स्पीड अच्छी होती है, जो प्रॉपरली हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। मैनी मॉडल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर देयर। जैसे कि बहुत ज़्यादा है माइक्रो कंप्यूटर, अब उनको आगे से क्लासिफाई भी किया गया, बताया गया है। जैसे सम सिट ऑन डेस्कटॉप, जैसे कि कुछ कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जिससे स्कूल में जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जिनके साथ माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग से होता है, एक मॉनिटर अलग से अटैच होता है, ठीक है, और सीपीयू अलग से होता है, ठीक है। मतलब जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जो एक सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। सम स्टैंड ऑन फ्लोर्स एंड सम आर पोर्टेबल। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो फ्लोर पे स्टैंड होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इजीली कैरी किए जा सकते हैं, पोर्टेबल मीन जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम उठा के भी लेके जा सकते हैं। उसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप को हम जहाँ भी एक रूम से दूसरे रूम में भी लेके जा सकते हैं, जहाँ मर्जी बैठ के उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें चार्जिंग करनी होती है और ताकि हम आराम से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स वॉच अ वीडियो। All these devices that people are using, they are all computers, Miri. Really? How are they all computers? I thought only what Sid has is called a computer, like the one at the counter, Miri. That is called a desktop computer. See, all the computers that are generally sufficient for a person's use are called microcomputers. Micro? There is nothing micro about that. They are really micro. When we compare them to supercomputers or mainframe computers, those computers used to run very complex calculations in big organizations. These computers can take up entire floors of a building. So compared to that, these computers are tiny. But Mary, that one on the counter is called a desktop. But what are all of these other ones? You see that one? That is called a laptop or a notebook. Whoa! Did you see that? He took the entire computer with him. Very smart, Miri. But nowadays, using laptops has become very popular because as you can see, they are small and have the same computing power as desktops. Then Thiri, what are these other small things that people are using? No, Miri, that's called a trackpad. It senses the finger movement and moves the cursor accordingly. Let me guess. It's called a laptop because it can be kept on the lap and used for taking notes during lectures or meetings. But then why do people still use desktops? Still, the laptops are costlier than desktops. But more than that, when there isn't much movement involved, like that counter, it's still much more comfortable to use a traditional desktop computer.